तो वो उसकी पोजीशन को चेंज करने का विरोध करता है। तो पहला स्ट्रेस तो हमने देख लिया एक्सेस। सेकंड जो पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है हमारे पास। ठीक है, अब बीम इसको मैं सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकता हूं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहा हूं। ठीक है, ये इसकी अक्ष है। ठीक है, इसको मैं बोल दूं और सेंटर पे कोई लोड लग रहा है पी। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पर बीम का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से मोड़ने का होगा, इस तरीके से मोड़ने का होगा दोस्तों बीम। इसी तरीके से जो सेंट्रल सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है दोस्तों, सेंट्रल पे अगर पॉइंट लग रहा है तो बीम का जो डायरेक्शन कैसा होता है, इस तरीके से मुड़ने का होता है। इस तरीके से मुड़ती है बीम, डिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो बीम की जो पोजिशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके नेचर को आप भी जानते हो कि अब मैं इसको इस फिनोमिना को आपको समझाना चाहूंगा। जैसे अब देखो इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे हो रहा है, ये वाले जो पार्टिकल है किधर की ओर जा रहे, अंदर की ओर, और यह वाले पार्ट कैसे जा रहे। तो आप जानते हो कि हमने एक्सियल जो स्ट्रेसेस पढ़े थे दोस्तों, एक्सियल जो स्ट्रेसेस पढ़े थे जिसके अंदर हमने मेंबर के स्ट्रेसेस का नेचर पढ़ा था, पहला था कंप्रेसिव टाइप का और दूसरा था टेंसाइल टाइप का। तो नीचे वाले जो पोर्शन है सिंपली सपोर्टेड का, इसमें ये किस तरीके का नेचर है, टेंसाइल टाइप है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस खींच रहे हैं मेंबर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस खींच रहे हैं और दूसरा जो है कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है इसके यहां पर हम क्या करते हैं, रेंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन होता है, नीचे कौन सा लगता है, टेंसाइल टाइप का जो है स्ट्रेस लगता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए किसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम के क्रॉस सेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, बेंडिंग स्ट्रेसेस का। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास, मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्तों, कल भी इसी वजह से क्या है कि बंद हो चुका था। तो एक फिनोमेना होता है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इनको, मैं जो मैंने पढ़ाया दोस्तों ये दोनों पॉइंट, एक्सियल स्ट्रेसेस, दूसरा हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस, इनके फिनोमेना देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही प्रिंसिपल वर्क आपको यूनिट में आगे ले जाता है। तो हमें यहां से बेसिक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट है सेकंड, बेंडिंग स्ट्रेसेस को मैंने आपको बेसिकली एनालिसिस किया जाता है करवाया कि हम जो बीम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके अंदर स्ट्रेसेस का क्या फिनोमिना होता है, ये आपने यहां पर देखा बेंडिंग। और भी कई केसेस है जिनको मैं आपको पूरा सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में आपको अगले स्ट्रेसेस की यहां पर बात करेंगे। ठीक है, और भी देख सकते हो आप दोस्तों, और भी कई ऐसी जनरल प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, पोजीशन के एजुकेटर चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उस चीज को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा पॉइंट रहा जनरली टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के अंदर हमने कंसीडर किया, पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस जिसके अंदर हमने कंसीडर किए एक्सियल स्ट्रेसेस, दूसरा जो पॉइंट था वो तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या फिनोमिना होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बीम का जिसको अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या माना कि कोई पॉइंट पर लोड लग रहा है तो वो कैसे पोजीशन चेंज कर रहा है बीम की, तो उस पोजीशन की चेंजिंग का विरोध गुण करता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको हमने क्या बोला है स्ट्रेस। ठीक है, तो वही सेकंड पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, बेंडिंग स्ट्रेसेस वो क्या होता है कि जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसकी नेचर कैसे हो सकती है कि इसके अपवर्ड जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, जिसको जिसका नेचर कैसा होता है कंप्रेसिव टाइप का, और इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है पार्टिकल दूर जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से ही इसके क्रॉस सेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में अगले पॉइंट के साथ मिलता हूं, धन्यवाद दोस्तों।
अब देखो तीसरा जो स्टेसिस आता है दोस्तों यहाँ पर, वो आता है हमारे पास बियरिंग स्टेसिस। ठीक है, इसका बेसिक फिनोमिना जो होता है वो क्या होता है कि हम किसी एक बॉडी को, जैसे ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, इसके ऊपर हमने किसको रख दिया, दूसरी बॉडी को। मेरा एक देखो ये, इसको मैंने ले लिया एक बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी है तो एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो इस तरीके का जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसके लिए बना रहे, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, यानी कुल मिला के लोड कैरी करने के लिए, सस्टेंड करने के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, तो उसमें क्या रखा जाएगा, मेंबर, कंपोनेंट, फोर्सेस, इन सबको रखा जाएगा। तो इस तरीके का भी स्ट्रेस यहाँ पर निकल के आता है, जिसको हमने कंसिडर किया किसके अंदर, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। पहला पढ़ा हमने एक्सियल स्ट्रेस, जिसका फिनोमिना मैंने आपको बताया, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, थर्ड होता है बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, जब व्हेन वन बॉडी इज ओवर अनदर बॉडी, पुट अनदर बॉडी, यानी कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रख देते हैं तो वहां पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जैसे कोई भी एक बॉडी है, मैं दिखा सकता हूं आपको, ठीक है, मान लो ये हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है, इस पे कोई एक बीम रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जैसे कोई एक बीम रखी हुई है, ठीक है, इस पे हमने रख दिया कोई अनदर बॉडी और यहाँ पर लोड लगा दिया बीम, तो इस बॉडी को मैं फर्स्ट और इस बॉडी को सेकंड नाम दे दूं, तो इस प्रकार से जो इस क्षेत्र पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है जब हमने किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रख दिया, तो जिस प्रकार का स्ट्रेस वहां पर जनरेट होता है उसको हम बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और जो बियरिंग स्ट्रेस होता है दोस्तों वो ऑलवेज कंप्रेसिव होता है, ऑलवेज कंप्रेसिव टाइप का होता है, ऑलवेज कंप्रेसिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इसको, इस टॉपिक को यही कंसिडर करता हूं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसके अंदर पहला जो टाइप का स्ट्रेस आता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, जिसको मैंने क्लासिफाई किया तीन टाइप में, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड होता है बेयरिंग स्ट्रेस। दोस्तों ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारे जो मेंबर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बीम और कॉलम, उनको सेव करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग का पर्पज ही यही है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ जोन में बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेस की स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने का, चेंज करता है कोई भी लोड, अगर किसी भी बॉडी के किसी भी लोड बॉडी पर अगर लगता है स्ट्रेस, तो वो उसकी पोजीशन चेंज करने का विरोध करता है। तो मेंबर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरनल मेंबर या स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्ट्रेसेस नाम दे दिया। तो इस लेक्चर में दोस्तों यही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। धन्यवाद।